Hello friends, so today I have come with a different topic related to medicine and some indicated medicine related to this topic also I will discuss. So today's topic is related to intracranial tension. As we know, we have many times read about intracranial tension, so we are going to discuss more about this in details. And also, for getting more videos, you can subscribe my channel. So what is the definition of intracranial pressure? Intracranial pressure is the pressure inside the skull and thus in the brain tissue and cerebrospinal fluid. ठीक है, ये सब मिलके हमारा क्या बनाता है, स्कल, ब्रेन टिश्यूज और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उनके बीच का जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर. ये मेजर होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर होता है MMHG में, और इसका नॉर्मल रेंज क्या होती है, 7 to 15 mmHg फॉर सुपाइन एडल्ट. एंड देयर इज वन मोर डेफिनेशन रिलेटेड टू इंट्राक्रेनियल प्रेशर, विच इज इट इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज प्रेशर विद इन द स्कल, characterized by symptoms including headache, worse on straining, visual obscuration or diplopia, papilloedema and frequently abducens nerve palsy. Abducens nerve जो हमारी होती है उसकी palsy हो जाती है, यानी कि वो dead हो जाती है एक तरह से. और eyes में symptoms आते हैं और head में symptoms आते हैं, क्योंकि ये pressure किसका रही, CSF का, cerebrospinal fluid से related है, तो इसलिए. अब इसके टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप क्या है, एक्यूट इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन. इसका कॉजेस क्या होते हैं, ये जो होता है रेयर होता है, पर इसका कोई कॉज होता नहीं है कि ये क्यों हुआ है. इसका स्लो ऑनसेट होता है, बहुत धीरे 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 होगा और पेशेंट को फिर एकदम से पता चलेगा तो ये बहुत आगे तक जा चुका होता है. फिर ये क्रॉनिक फॉर्म ले लेता है, ये परसिस्टेंट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत दिन बाद जाता है और थोड़े थोड़े दिन पर थोड़ा थोड़ा होता रहता है. इसमें क्या होता है, सीवियर हेड इंजरी हो गई या स्ट्रोक हो गया या ब्रेन एब्सेस हो गया, तो ये सब धीरे धीरे जाते हैं, एकदम से इनमें सिम्टम्स नहीं जाते. दूसरा, क्रॉनिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन. इसका कॉजेस क्या होते हैं, ब्लड वेसल एबनॉर्मेलिटीज लाइक आर्टीरियो वीनस फिस्टूला, आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन. अब कोई भी फिस्टूला हो, आर्टीरियो वेनस यानी आर्टरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारा ये क्रॉनिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कर देगा. और ब्रेन इन्फेक्शंस हो गए, जैसे कि मेनिनजाइटिस, जो कि हमारा CSF जो होता है वो इंक्रीज्ड हो जाता है, और एनकेफेलाइटिस, चेरी मेलफॉर्मेशन, क्रॉनिक सबड्यूरल हेमेटोमा, हाइड्रोसिफेलस, पानी भर जाता है जिसको हम कॉमनली कहते हैं, वेस्क्यूलाइटिस, वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, कुछ भी क्लॉट हो गया तो उस वजह से, या कोई भी वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई तब हो जाता है. ये सब इसकी इंडिकेशन है क्रॉनिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की. अब तीसरा होता है इडियोपैथिक और बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन. इडियोपैथिक और बिनाइन में क्या होता है, जिसका कोई कॉज क्लियर नहीं होता, बट फिर भी जो मेन चीज़ें इसमें देखने को मिलती है वो है कि ये 20s और 30s की एज ग्रुप में होता है, मगर इसका कोई भी कॉज क्लियर नहीं होता. पर जो भी अनुमान लगाए जाते हैं वो ये हैं कि ओबेसिटी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशंस हो सकती है, जैसे कि स्टीरॉयड्स हो गए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गए ज़्यादा लेने पर, हार्मोन डिस्टर्बेंस हो गई, या तो हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, कुशिंग्स डिजीज हो गया, उसकी वजह से इडियोपैथिक होता है. अब एक कुशिंग रिफ्लेक्स होता है जिसमें ट्रायड आता है, उसमें क्या क्या होता है, इंक्रीज बीपी होता है और हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट कम चल रहा होगा और इरेगुलर हार्ट रेट होता है. इसमें क्या होता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हर्निएशन और डेथ इमिनेंट होती है. जब भी हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो ये साइंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कुशिंग्स रिफ्लेक्स. जिसमें ये देखने को मिलेंगे हम उसको कहेंगे कुशिंग्स ट्रायड की इसमें प्रॉब्लम आ रही है. अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, हेडेक, इंटेंस डीप सीटेड डल एकिंग पेन, वर्स्ट बाय एक्सर्शन और चेंज ऑफ पोस्चर. हेडेक में भी सीवियर ऑन अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मोस्टली होती है, और ये एक्सर्शन से बहुत बढ़ जाएगी, डल एकिंग होगी, इंटेंस होगी यानी बहुत तेज होगी. दूसरा, वॉमिटिंग, समटाइम्स प्रोजेक्टाइल एकदम से आ जाएगी. देयर इज एब्सेंस ऑफ नोजिया अनरिलेटेड टू फूड, ठीक है, नोजिया नहीं होगा.
तीसरा कन्वल्जन्स यानी कि दौरे भी पड़ सकते हैं, जनरलाइज्ड होते हैं यूजुअली, फोकल ड्यू टू SOL लीजन। फोकल तब होंगे जब जब स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होगा। अब है इसमें ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस टू कोमा भी हो सकता है, और ड्राउजीनेस एंड मेंटल डिटेरियोशन में भी प्रेजेंट। विजुअल प्रॉब्लम्स लाइक डिटेरियोशन ऑफ विजुअल एक्विटी एंड पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन ऑफ विजुअल फील्ड। जब भी हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने की बात करेंगे तो हमारे हेड पे, आईज पर तो इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। अब इसके साइंस क्या होते हैं, पल्स में क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया। इफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंटिन्यूज टू इंक्रीज द पल्स बिकम वेरी रैपिड, देयर मे बी इरेगुलर पल्स। बीपी में भी हाइपरटेंसिव, रेस्पायरेशन स्लो एंड डीप रेस्पायरेशन, लेटर इट बिकम्स रैपिड एंड शैलो, एंड लास्टली चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग अपीयर्स। ठीक है, चेन स्ट्रोक देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होता है, जब भी हम इसमें फंडोस्कोपी या पेपिलोडीमा होगा तो प्यूपिल अनइक्वल होगी और अबनॉर्मली रिएक्टिंग होगी और फिक्स्ड भी हो सकती है। और इसमें कुछ फॉल्स लोकलाइजिंग साइन दिखते हैं, यूनिलेटरली भी और बायलेटरल भी, जिसमें सिक्स्थ और थर्ड नर्व पाल्सी हो सकती है। बायलेटरल बेबिन्स की साइन देखने को मिल सकते हैं, बायलेटरल ग्रैस साइन और बल्ज इंटीरियर फोंटेनल्स इन इन्फेंट्स। अ क्रॉनिक इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन में प्रोड्यूस फीचर्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, एग्जाम्पल लॉस ऑफ हेयर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोएड्रेनलिज्म। ये सब साइंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब कॉजेज और क्या क्या हो सकते हैं, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, विड्रॉल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज, थ्रोम्बोसिस ऑफ वीनस साइनस एज अ नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया और क्रॉनिक मैस्टोइडाइटिस, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस सच एज हाइपरथायरॉयडिज्म, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सर्क्यूलेटरी ब्लॉक्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्विडक्ट स्टिनोसिस, फोर्थ वेंट्रिकल ब्लॉक इन हाइड्रोसिफेलस। और मिसलेनियस में हम क्या लेते हैं, हेड इंजरी, सेरिब्रल एडीमा, हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी, कॉर्टिकल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, रेज्ड प्रेशर भी डिस्पर्स हो सकता है क्रेनियम में, इंक्लूडिंग पोस्टीरियर फोसा टू स्पाइनल एक्सिस और यूरेमिया। ये सब इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे, जिससे क्या पता चलेगा कि हाइपरटेंशन है या नहीं इंट्राक्रेनियल। मेन टेस्ट क्या हो सकते हैं इसके, CBC, KFT, ESR, LFT, CSF, CRP, TFT, ANA एंड PTH। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन इज नॉट यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग बट कैन बी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, ठीक है। अनट्रीटेड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन समटाइम्स लीड्स टू सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी एंड परमानेंट विजुअल लॉस। क्रॉनिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ इट रिमेन्स अनडायग्नोज एंड अंडरलाइंग कॉजिंग आर नॉट ट्रीटेड, ठीक है। तो ये सब के अलग अलग कॉज और उनके प्रोग्नोसिस बताए गए हैं। CT और MRI स्कैन से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं IIT का विद इटियोलॉजी। अब ड्रग्स क्या रिलेटेड हो सकते हैं हमारे होम्योपैथी में, ग्लोनोइनम, बेलेडोना, नेट्रम, म्यूराइजेंटम, नाइट्रिकम, मैगम्यूर, इग्निशिया, सल्फर, आयरिस एंड सिमिसिफ्यूग एंड क्यूप्रामेट। दीज आर कॉमन ड्रग्स फॉर दिस। नाउ सम ऑफ द इंडिकेशंस आई हैव टोल्ड अबाउट, ग्लोनोइनम एक्सीलेंट फॉर इंट्राक्रेनियल क्लाइमेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस और ड्यू टू मेंस्ट्रुअल सप्रेशन। जब एक मेनोपोजल फीमेल को हेडेक की ये प्रॉब्लम आएगी या इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होगा तो हम ये ग्लोनोइनम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हैवी हेड होगा बट कैन नॉट ले इट ऑन पिल्लो, बेटर बाय ब्रैंडी वर्स इन सन ओपन एयर एंड 6 AM टू नून। लेकिन इसकी मोडालिटी कंसीडर करनी बहुत ज़रूरी है। बेलेडोना में क्या है, वटाइगो विथ फॉलिंग टू लेफ्ट साइड और बैकवर्ड्स, पेन्स वर्स बाय लाइट नॉइज जार लाइंग डाउन एंड इन आफ्टरनून, बेटर बाय प्रेशर एंड सेमी इरेक्ट पॉस्चर। और ये सिम्टम्स होते हैं इसकी एयर सिकनेस इन एविएटर, जैसे कभी भी एयर सिकनेस हो गई किसी पेशेंट को और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन का रूप ले लिया, तो हम बेलेडोना प्रिस्क्राइब करेंगे। वॉयलेंट ऑफ अटैक एंड सडननेस ऑफ ऑनसेट, और एकदम सडन से हुआ तो बेलेडोना। नाउ नेट्रम्यूर,
Headache, bursting on coughing, hammering, heavy over eyes and vertex, disturbed vision, worse from sunrise to sunset, headache of school. किसी छोटे बच्चे में जैसे अगर headache बहुत ज़्यादा हो गई और intracranial hypertension हो गई तो हम ये दे सकते हैं नेट्रम्यूर यंग एज ग्रुप के बच्चों को या जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें. अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक्शन जो होता है सेरिब्रोस्पाइनल नर्व्स पे होता है और ये प्रोड्यूस करता है इनकोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ बैलेंस मेंटली एंड फिजिकली. पेन जो होते हैं इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं ग्रेजुअली, एकदम से कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ग्रेजुअली आएगा, ग्रेजुअली एकदम बढ़ेगा तो एकदम से लेकिन जाएगा ग्रेजुअली. ट्रैम्बलिंग ऑफ होल बॉडी विद इंटॉलरेंस ऑफ हीट, ये सब हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखने को मिलते हैं. दीज आर द इंडिकेशंस रिलेटेड टू दीज मेडिसिन बट नॉट इन मोर मेडिसिन आई हैव मेड. सो दिस वॉज ब्रीफ अबाउट दैट. थैंक यू.